मुजफ्फरपुर पुलिस ने बिहार में शराब की तस्करी करने वाले एक माफिया को गिरफ्तार किया है। मामले में एसएसपी जयकांत ने बताया कि तस्कर का नाम कन्हा रामप्रताप है, जो झारखंड के बोकारो का निवासी है। रामप्रताप स्थानीय शराब कारोबारियों के साथ बड़ी डील करने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। निषेध की टीम के द्वारा एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो ये मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में, पटना में और अन्य जगहों पर लगातार जो है शराब जो है कि माफियाओं को शराब देता था, बेचता था, और उम्मीद है कि इसके अरेस्टिंग के बाद में इस बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में दो दुकानदारों के बीच आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई, जहां गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मधुबनी जिले के बोनीपट्टी थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 52 के किनारे एक अज्ञात लड़की का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच कर शुरू कर दी है। पुलिस ने लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने का की आशंका जाहिर की है। बाढ़ के बेडना गांव के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अज्ञात अपराधी ने महिला के गला दबाकर हत्या कर दी और शव को यहां लाकर फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला है कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गया कि लाल बाबा कोठी बाग के पास में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका सूचना का सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद हम लोग देखे कि सब सड़क के किनारे जो है कि फेंका हुआ है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें फांसी लगाया हुआ है। पटना के बेटा स्थित मखदुमपुर गांव से लापता दो सगे भाइयों की सकुशल बरामदगी को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार को बेटा खगौल मुखमार्ग को जाम कर आगजनी की। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरा पटना रोड पर आगमन ठप हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर पुलिस लापता दोनों भाइयों को नहीं ढूंढ लेती है तो वे थाना का घेराव करेंगे। परिजनों के मुताबिक जमीन विवाद में सौतेले भाई ही अनीश और शिवम को गाड़ी से उठाकर भाग निकले। पुलिस आरोपी की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला यही था कि बच्चा घर से गया था चना देने, और वो गाड़ी में सुपारी गाड़ी में लेके दक्षिण में सर भाग गया है सर। 23 तारीख का मामला सर, 3 बजे खल सर 3 बजे। कौन लोगों ने किडनैप किया है? हमारा सौतेला बेटा सर, दो गो सौरभ कुमार और गुलशन कुमार। नहीं, जमीन तो बांट के दे दिए थे, बाकी जमीन हड़पे के फिर में दोनों के ऐसे कट। सहरसा में शराबी व्यक्ति ने शराब पीने से मना करने पर पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई। इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पति मारा है सर। क्या कारण था? जमीन बेच के दारू पी लिया सर, मना किया जो पैसा से जमीन खरीदेंगे घर बनाएंगे, वो जो है उसी कारण मारा है सर। गोली कहाँ लगी है? गोली माथा पर लगा है सर। फिर हम लोग इसको लाए उठा करके। कहाँ लाए? हॉस्पिटल बीरा ले गए, बीरा से कर दिया वहाँ। क्या